कमरे में अंधेरा है, वहां से चल के आ रहे हैं, कहीं से भी आप चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट्स आपको सेंस करेंगी और उसी वक्त लाइट्स आपके रूम की ऑन हो जाएंगी। मैंने इसमें फ्रिज दे दी है, इसके अंदर हमने माइक्रोवेव ओवन भी प्लेस कर दिया है, हमने ग्लास स्टैंड दे दिया है। जो साइड पे एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें क्या चीज है? आप आराम से मसाजर अपना ऑन करेंगे तो ये मसाज आपका ऑन हो जाएगा। इसमें बाथरूम की कमी रह गई है, कोई कहता है इसको सोसाइटी बना देना था, क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है? कि सेफ्टी जो है वो आपने मद्देनजर रखी है। इसको आपको बनाने में कितना टाइम लगा था? इसमें जो लकड़ी यूज की गई है वो इतनी कैपेबल है कि वो टाइम गुजार ले? इसकी प्राइस क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैजान चौधरी। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बेड के आगे क्यों खड़ा हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये बेड नहीं है बल्कि कमरा बोलूँगा। इसके अंदर ज़रूरतें ज़िंदगी की जो हर चीज़ होती है, फ्रिज, ओवन, टीवी, मसाजर, हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी। मेरे साथ हनान भाई मौजूद हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो हनान भाई, बेड तो हमने बहुत तरह के देखे हैं, ये आपको डिज़ाइन करने का आइडिया जो है वो कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम फिजान भाई, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इस तरह से मिला कि मेरे पास जो रूम की स्पेस है वो कम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा बेड हो कि एक आपका उसमें सारी आपकी एसेंशियल्स में वो भी पूरी आ जाएं और आपको एक प्रॉपर लग्जरी भी फील हो। क्या साइज़ क्या है इसका? इसका साइज़ मैंने अपने लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया, वैसे जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो आपका 6x6.5 में प्रॉपर जो मैट्रेस साइज़ है वो आ जाता है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो अराउंड 7.5x7 फीट का मैट्रेस है, तो इसके ऊपर आराम से मेरी वाइफ, मैं और दो बच्चे माशाल्लाह बड़े आराम से लग्जरी होकर सोते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो मैंने इसमें फ्रिज दे दी है कि बेडरूम्स में, वैसे अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि कमरे में फ्रिज नहीं रखना, ऐसा नहीं रखना, फैमिली लेयर हो जाएगी, तो मैंने एक फ्रिज रख के फ्रिज को छुपा दिए कि आप आराम से इसमें फ्रिज के साथ आपकी सारी चीज़ें जो वो आ जाएंगी और नज़र भी नहीं आएगा। तो ये आपका मैंने इसमें फ्रिज दे दिए, रूम साइज़ फ्रिज है, बड़ा अच्छा इसका साइज़ है। अच्छा। उसके साथ ही इसमें मैंने इसको एक किचन ही बना दी है, इसके अंदर हमने माइक्रोवेव ओवन भी प्लेस कर दी है। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे आपका माइक्रोवेव ओवन आ गया प्रॉपर, और ये कुकिंग माइक्रोवेव ओवन है, इसके अंदर आप कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो सारा कुछ कर सकते हैं। साथ ही नीचे ये जो है कटलरी की स्पेस है, यहाँ पर आपकी इसमें कटलरी आ जाएगी। अब ये ऊपर क्या चीज़ है यहाँ पे? ये है इसका थर्मस, लेकिन बच्चे रात को सोए में फीडर वगैरह रखने, आपने कोई बोटल्स वगैरह यहाँ पे गर्म कर रखनी है तो वो गर्म रहेंगी, ठंडी रखनी है तो वो ठंडी रहेंगी। ये रात को आपका रीडिंग लैंप दे दिए, ये आप रात को स्टडी करना चाह रहे हैं, वैसे आपको लाइट चाहिए लैंप के तौर पर, तो ये रीडिंग लैंप इस साइड पर आपका आ गया। ये आपका इसमें हमने ग्लास स्टैंड दे दिया, यहाँ से आप आराम से वहाँ से थर्मस से चीज़ें निकालते हैं, ग्लास आपके साथ आ गए हैं, तो ये आप इसको इस तरह से 8 से 10 ग्लास आप इसमें आराम से रख सकते हैं। जो साइड पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें क्या चीज़ है? ये हिडन स्टोरेज और सेटी है, वैसे तो एक मेरी बेटी जो है यहाँ पे बड़े शौक से इधर भी पिलो रखी और सो जाती है। अच्छा। अगर नहीं सोना तो ये हिडन सेटी आपकी स्पेस है, यहाँ पे आप इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस के लिए, जैसे अभी चीज़ें वगैरह बच्चों ने रखी हुई हैं तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा यूज़ हो जाता है। मतलब आमतौर पर इधर ब्लैंकेट वगैरह भी रखा जा सकता है। ये आगे मैं देख रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है ये ज़रा बड़ी उसकी विड्थ में भी है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर अभी तो आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर मैंने टीवी माउंट किया है 50 इंचेस से लेके तो 55 इंचेस तक जो है वो इसमें 65 इंचेस तक टीवी आपका इसमें आ सकता है। और साथ ही में मैंने इसके अंदर जो और चीज़ें दी हैं, मैंने इसमें होम थिएटर की भी जगह रख दी है। अच्छा। इसके साथ आपके स्पीकर भी अटैच हो सकते हैं नीचे, इसमें अभी मेरी अपनी प्लेस्टेशन भी पड़ी हुई है, तो जैसे ही टीवी आपका बाहर आएगा आप इसमें से रिमोट पकड़ें, प्लेस्टेशन ऑन करें या होम थिएटर आप ऑन करें, हर चीज़ इसके अंदर बिल्ट इन ही मैंने दे दी है। ये कितनी हाइट तक ऊपर जाता है? ये हाइट देखें फैन से नीचे रहेगा फ्रंट साइड पे, यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं तो जैसे ही आप बेड के ऊपर मूव करेंगे या रूम के अंदर आएंगे, कमरे में अंधेरा है, वहाँ से चल के आ रहे हैं, कहीं से भी आप चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट्स आपको सेंस करेंगी और उसी वक्त लाइट्स आपके रूम की ऑन हो जाएंगी। अच्छा, मतलब सेंसर भी दिया आपने इसमें? बिल्कुल सेंसर दिया, जैसे आप रूम में पूरा अंधेरा है, आपने बाथरूम जाना है, रात को चलना है, तो एक होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी उम्र के लोग हैं तो वो लग जाते हैं कहीं पे, तो ये बेड आपको उसी वक्त सेंस करके अपने आप को ऑन कर देगा। अच्छा हनान भाई, हमने उस साइड पे देखा है, वहाँ पे जो आपने सेटी लगाया हुआ था वो तो बहुत प्लेन था, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा कस्टमाइज है, इसकी क्या वजह? ये मसाजर सेटी हमने इसमें दे दी है। अच्छा। कि आप आराम से बैठे हैं और लेटे हैं, साथ ही ये मसाजर का रिमोट है, इसमें हीटिंग सिस्टम है, 6 किस्म के मसाजर मोड्स हैं, आप आराम से मसाजर अपना ऑन करेंगे तो ये मसाज आपका ऑन हो जाएगा। उसके साथ ये जो टीवी है, इसका अगर आपका दूसरा रिमोट घूम जाता है तो उसके साथ फिर ये रिमोट है, आप इसको करते हैं तो ये मैनुअल आपका माउंट होगा, ऊपर नीचे जाएगा अगर आप इसको करना चाह रहे हैं। मतलब उसके साथ भी आपने एक रिमोट अटैच कर दिया और एक तो उसके वायरलेस भी दे दिया। रिमोट है ये इसका, कि अगर रिमोट वो दूसरा नहीं मिल रहा है इनके एमरजेंसी में, तो ये दूसरा आपका ये वाला जो रिमोट है वो चलेगा। अच्छा, आपने वहाँ सेटी में तो नीचे स्पेस भी दे दी थी, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें मैंने ड्रॉज दी है, स्पेस को मैंने कहीं से भी ज़ाया नहीं किया, हर जगह से यूटिलाइज़ किया। इसमें मैंने ये ड्रॉज दी है, ये आपके ड्रॉज आ गए हैं, इसमें बच्चों की सारी चीज़ें जो हैं इसमें प्लेस की, हैंडल्स वगैरह थोड़े से इसके लगने वाले हैं, तो इसमें दोनों ड्रॉज नहीं हैं,
और अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये भी बड़ा इसमें हमने अच्छा फीचर रखे ये इसमें मैंने 5 ड्रॉज दे दिए, कहीं से भी जगह को ज़ाया नहीं किया ठीक है। आपकी सारी स्पेस वैसे ज़ाया हो जानी थी तो इसमें हमने सारे ड्रॉज दे के बच्चों की चीज़ें यहाँ पे भी प्लेस करवा दी हैं। उसके साथ ये मैंने एक इसकी लैपटॉप टेबल दी है, ये इसकी लैपटॉप टेबल आ गई है, ये आप कुछ कोई चीज़ आगे रखना चाहें तो उसी तरह से आप रख सकते हैं। साथ ही में जैसे दूसरी साइड पे इसका लैंप रीडिंग लैंप था, यहाँ पे भी रीडिंग लैंप दे दी है ठीक है। ये आपको मैंने इस बेड में स्पीकर्स दे दिए हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स है, मोबाइल के साथ कनेक्ट करें पूरा आपका साउंड इसमें चलेगा। और मीनवाइज ये आपका वायरलेस चार्जर आ गया, ये आपका वायरलेस चार्जर है, यूएसबी पोर्ट लगाना चाहें तो वो लगा लें, वायरलेस मोबाइल ऊपर रखेंगे तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज भी करेगा जी बिल्कुल डेफिनेटली। आपके पास मोबाइल है तो मैं यहाँ पे रखूँगा वो वायरलेस उसको चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। और इसमें जो एक और हिडन फीचर है, आपको कोई चीज़ अपनी सेफ रखनी होती है, कोई कैश रखना है, पर्स वगैरह रखना है, तो ये यहाँ से आप इसको पीछे करेंगे, फिंगरप्रिंट ऑन करेंगे, ये फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट ऑन करेंगे ये ऑन खुल जाएगा और इसमें आप सारी चीज़ें अपनी जो है वो प्लेस कर सकेंगे। अब आ जाते हैं हनान भाई, इसको आपको बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 मंथ्स में इसकी जो पूरी प्रोसेसिंग है वो कर देते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर जो मटेरियल होता है, क्योंकि अक्सर जो बेड है ना थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो आवाज़ करने लग जाते हैं या नीचे से जो उसका फर्नीचर है वो ख़राब हो जाता है, तो क्या इसमें जो लकड़ी यूज़ की गई है वो इतनी कैपेबल है कि वो टाइम गुजार ले? जी बिल्कुल डेफिनेटली 10 ईयर्स की हम टोटल अपने फर्नीचर के साथ सारी वारंटी देते हैं, कोई भी फर्नीचर आप ले लें तो उसमें 10 ईयर्स की वारंटी है। इसमें पार्ट्स इतने हैं 5 ईयर्स की वारंटी है, बाकी हमारे अपने फर्नीचर की 10 ईयर्स की वैसी वारंटी जैसे इसकी है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो हम इस वक्त आस्किंग करें 8,75,000 कर रहे हैं। इसमें आपको टीवी, माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज, जितनी एसेसरीज आप देख रहे हैं सब कुछ इंक्लूडेड, फैब्रिक आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं, बाकी हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड 875 है, मतलब 8,75,000। 8,75,000 में तो एक गाड़ी भी आ जाती है मेरे ख्याल से, आपने बेड ही बना दिया पूरा। इसको आप कैंपिंग गाड़ी समझ लें। अच्छा। जैसे कि व्यूअर्स ने मेरे कहा था कि इसको 4 टायर लगने वाले रह गए तो बस इसी में उसकी कमी है, बाकी इसमें हर चीज़ है। अच्छा। और इसमें हिडन स्पेस एक रहेगी जो आप मेट्रो से उठाएंगे तो उसके अंदर भी पूरी स्पेस है, ये आप इसकी स्पेस खुल गई है तो आप इसमें सारी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं इसमें से, मतलब आपने हर जगह को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज पूरा किया उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताते चले, मैंने कुछ लोगों के जो रिव्यू है ना इस पर ये भी सुने हैं कि कोई कहता है कि इसमें बाथरूम की कमी रह गई है, कोई कहता है इसको सोसाइटी बना देना था, उन लोगों को क्या कहेंगे? बाथरूम बिल्कुल बन सकते हैं डेफिनेटली, मैं बाथरूम भी इसमें बना सकता, बाथरूम भी बना सकते हैं इसमें जो देते हैं, मैं बाथरूम भी इसमें बना दूँगा। अच्छा। बड़ा लग्जरी बाथरूम बना के दूंगा, 4x4 का या 4x6 का बाथरूम इसमें डेफिनेटली बन सकता है। लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो क्या इसकी सेफ्टी जो है वो आपने मद्देनजर रखी है? डेफिनेटली बिल्कुल, ये पहली बात ये प्लग एंड प्ले है, जैसे आपने एक वायरस की लगानी है और ये हर चीज़ टोटल अपनी प्लग एंड प्ले में आ जाएगी। मीनवाइल अगर खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें हमारी पूरी सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे ज़रा सा भी अगर खुदा ना खासा कोई वायर भी अगर गर्म होती है फौरी तौर पे पूरे फीचर्स इसके बंद हो जाएंगे, पूरा बेड बंद हो जाएगा, आप हमें कंप्लेन करेंगे, ऑनलाइन हमारा वारंटी पोर्टल है वहाँ पे हम कंप्लेन करेंगे, 2 दिन में हम आपको पूरा बेड जो है वो दोबारा इसमें जो भी इसकी कंप्लेन होगी पूरी रिजॉल्व करके देंगे। ये मुझे ये भी बताते चलें कि ये जो आपकी सर्विस है ये वारंटी टाइम पीरियड के लिए होगी या लाइफ टाइम होगी? सर्विस हमारी 10 ईयर्स की होती है, अगर खुदा ना खासा 10 ईयर्स में पहले कोई इशू नहीं आया तो फिर भी नहीं आता। और दूसरा इसमें पूरा एक इसका डीपी बॉक्स बना हुआ है बेड का, ठीक है, जैसे आपके घरों की पूरी एक डीपी बॉक्स बनती है, इसका पूरा एक डीपी बॉक्स फीचर बना हुआ है, उसमें पूरे ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, हर चीज़ लगी हुई है। और इसमें मतलब ये भी है कि कोई आम इलेक्ट्रिशियन भी इसको ठीक कर सकता है? डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले इसका लगा हुआ है, वो आप इसका वो जैसे डीपी होती है इसका लगा हुआ है वो आप उसको खोलेंगे, कोई भी इशू है तो आप उसको रिजॉल्व वहीं से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हनान भाई। तो जी नाज़रीन, ये वो बेड है जिसे मैं बेड तो नहीं बोलूँगा, ये तो पूरा रूम है, किचन भी है इसके अंदर। तो अगर आप भी इस तरह का कोई बेड बनवाना चाहते हैं तो हनान भाई से जरूर आता करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।